हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 197। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कल का पोल। तो कल मैंने पूछा था स्मार्ट वॉच जो आजकल आ रही हैं वो एक गिमिक है, शो ऑफ है, ये नेसेसिटी है। तो भाई 6000 लोगों ने वोट किए हैं जिसमें 86% लोगों ने कहा है गिमिक शो ऑफ ही है, कुछ खास नहीं है। और नेसेसिटी के लिए सिर्फ 14% लोगों ने कहा है। वैसे मेरे पास काफ़ी स्मार्ट वॉचेस हैं मगर मेरे को भी लगता है ज़्यादा ये शो ऑफ है, हम इतना यूज़ नहीं करते जितना इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। बाकी सबकी अपनी चॉइस। तो भाई सुबह आज टेक न्यूज़ भी आई है और ऊपर से मैंने फ्लिपकार्ट सेल पे एक स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैंने ऊपर आई में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू फ़ोन लेने को सोच रहे हो या काफ़ी देर से वेट कर रहे थे तो फ्लिपकार्ट सेल में आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहले न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग टैब S7 प्लस में मिलेगी आपको 10,090 mAh की बैटरी, तो काफ़ी बड़ी बैटरी होगी। बाकी टैब है, बड़ी बैटरी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग ने फाइल किया है एक न्यू पेटेंट फोल्डेबल फ़ोन का। काफ़ी कंपनीज ला रही है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फ्यूचर है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर प्राइस आ रहे हैं। भाई नॉर्मल बंदा तो लेने की सोच भी नहीं सकता, और जो भाई 70-80 हज़ार भी कमाता होगा वो भी 4 बार सोचेगा या 10 बार सोचेगा कि मैं 1.5 लाख खर्चूँ एक फ़ोन पे। तो भाई पेटेंट की बात की जाए तो पेटेंट में आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सिमिलर है हुआवे मेट एक्स की तरह, जैसे उसकी स्क्रीन आउटर एरिया में थी, अंदर नहीं थी, गलेक्सी फोल्ड की तरह। तो काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट लग रहा है मगर भाई चाइना में हुआवे मेट एक्स नियर अबाउट 2 लाख का है, तो सैमसंग का तो उससे पास होगा ही होगा। बाकी मुझे नहीं समझ आता, मेरा भी मन है यूज़ करने का मगर भाई इतने पैसे खर्चने को नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए सैमसंग गलेक्सी वॉच 3 लिस्टेड हुआ है BIS में, और टेक गाय ट्विटर में उन्होंने पोस्ट किया था, वहाँ से मुझे न्यूज़ मिली। आप देख सकते हैं अगर गलेक्सी वॉच के आप दीवाने हो तो नेक्स्ट मंथ ही वॉच आ जाएगी, देखते हैं किस प्राइस में ये लॉन्च होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हमारा मोटो रेज़र, जी हाँ मोटो रेज़र अभी रिसेंटली आया था, 1,25,000 का कह रहे थे, सेकेंड हाफ में इसका सेकेंड पार्ट आएगा मोटो रेज़र 2, मगर भाई सैड न्यूज़ ये है कि ये नहीं आ रहा। वैसे तो नहीं आ रहा तो अच्छी न्यूज़ ये, नाचना है नाच लो कि भाई हमने तो लेना ही नहीं है। इंडिया में मेरे हिसाब से मोटो रेज़र नहीं बिका इतना, तो 2 का क्या घंटा उखाड़ लेना था लोगों ने, नहीं बिकना इतना। भाई इन्होंने प्राइस इतना ज़्यादा रखा और स्पेक्स वाहियात, क्या कहें इस फ़ोन के बारे में, होपफुली ना ही लॉन्च हो, ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो लेनोवो K11, जी हाँ लेनोवो भी जिंदा है, लिस्टेड हुआ है गूगल प्ले कंसोल में। पता नहीं लेनोवो बहुत ही वाहियात और बेकार फ़ोन क्यों लॉन्च करता है जिसका कोई नामो निशान नहीं होता। बढ़िया फ़ोन लॉन्च करे तो ही लोग बाय करेंगे, वरना कौन पूछता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो एनको W11 TWS 25 जून को इंडिया में आ रहे हैं, ये नियर अबाउट 3000 के हैं, काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले भी ओप्पो के एनको W31 W51 आए हैं जिसका लोग काफ़ी बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, तो देखते हैं इंडिया में 25 तारीख को पता चलेगा कैसे हैं ये। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारी OnePlus 8 की, जी हाँ OnePlus 8 जो 12 GB वेरिएंट है चाइना में सिर्फ 4,000 yuan का रह गया, नियर अबाउट 41,000 के पास। भाई इंडिया में इतना महंगा और चाइना में कितनी जल्दी प्राइस ड्रॉप होते हैं, नियर अबाउट 600 yuan प्राइस ड्रॉप हो चुका है। और इंडिया में तो भाई सेल आपको पता ही है कैसी आती है, आती है नहीं आती एक ही बात हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है भाई हमारे रियलमी की, जी हाँ रियलमी पहला कंपनी बन जाएगी जो यूज़ करेगी मीडिया टेक हीलियो G35। जी आज रियलमी ने ऑफिशियली ये ट्वीट किया था कि हम यूज़ करेंगे और होपफुली ये रियलमी C11 में यूज़ करेंगे। बाकी C3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती नहीं अच्छी, वो सब भूल के सीधा C11 आएगा और भाई हीलियो G35 के साथ। तो मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार के प्राइस रेंज में हो सकता है, मे बी उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Realme X3, जी हाँ आज मैंने मॉर्निंग की टेक न्यूज़ में बताया था Realme X3 में मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर। अब खबर आई है इसमें मिलेगा 30W का डार्ट चार्जर, जी हाँ साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट, IPS LCD स्क्रीन मिलेगी। देखते हैं 25 तारीख को, प्राइस मैटर करता है, मैंने मॉर्निंग वाली टेक न्यूज़ में प्राइस भी बताया था, अगर आप नहीं देखी तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। देखते हैं किस प्राइस पर लॉन्च करता है, कुछ कमाल करता है रियलमी या इस बार फुस
हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रियलमी एक्स थ्री का गीकबेंच स्कोर सामने आया है। सिंगल कोर 2307 और मल्टी कोर 8216, इसमें 12 GB वेरियंट आए। तो लोग कह रहे हैं कि शायद रियलमी एक्स थ्री में सिर्फ 12 GB वेरियंट आएगा। भाई इतनी रैम मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 8 GB भी इनफ है, वैसे 6 GB भी इनफ है। बाकी कंपनी ने कॉस्ट बढ़ाने का एक तरीका अपनाया हुआ है कि भाई 12 GB रैम है तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी, 6 होती तो कम होती। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई आ रही है हमारी रियलमी C11, BIS में सपोर्ट किया गया है, तो मतलब ये जल्दी इंडिया में भी आएगा। देखते हैं कब तक इंडिया में आता है और किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं। लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रेडमी नोट 9, जी हाँ, ये वर्क करेगा एज अ पावर बैंक यूजिंग OTG। वैसे ये टेक्नोलॉजी कुछ नई नहीं है, मगर भाई रेडमी नोट 9 एक मिड रेंज फ़ोन है, उसमें ये मिली है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो दूसरे रेडमी नोट 9 के थ्रू, तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगी। तो भाई आज की न्यूज़ में बस इतना ही, पोल रख लेते हैं आपके हिसाब से कितनी रैम एक फ़ोन में होनी चाहिए, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB या उससे ज़्यादा। जो भी होगा कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप मुझे पोल में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली टेक न्यूज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।